को काम करने का मौका दिया है, 13 साल से काम कर रहे हैं, कानून का राज कायम किया। अब कल्पना कर लीजिए क्या स्थिति थी पहले, एक परिवार के लोगों को 15 साल राज करने का यह मौका मिला। पति जब अंदर चले गए तो पत्नी को बना दिया, 15 साल पति पत्नी राज इस बिहार में होता रहा और क्या काम हुआ। याद कर लीजिएगा, जो 13-14 साल 15 साल के बच्चे हैं उनको तो इस बात का कोई एहसास नहीं, लेकिन शाम होने के बाद कोई हिम्मत नहीं करता था घर से निकलने का, जंगल राज। और हम लोगों ने लोगों के बीच में यही संकल्प व्यक्त किया था कि आप लोग हम लोगों को सेवा का मौका देंगे तो बिहार में कानून का राज कायम करेंगे। आज कानून का राज कायम हुआ और हम लोग न तो किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करता है और पूरी मुस्तैदी से काम करता है। और उसके बाद हम लोगों ने कहा न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। पूरे बिहार में कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसकी हम लोगों ने उपेक्षा की, और जो इलाका संकट में है, मुश्किलों में है, वैसे इलाकों के उत्थान के लिए भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। चाहे वो देख लीजिए जंगल का इलाका हो जाए, पहाड़ी इलाका हो जाए, डाल का इलाका हो जाए, यारे का इलाका हो जाए, वैसे इलाके बिहार के जो चारों तरफ से नदियों से घिरे रहते, आवागमन की कोई सुविधा का सवाल ही नहीं, सभी इलाकों के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया। और अब ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां आवागमन की सुविधा नहीं हो। सिंचाई का भी काम हम लोगों ने उसी तरह से किया, आवागमन की सुविधा के लिए हम लोगों ने काम किया, पढ़ाई के लिए स्कूल का। अब आप जानते हैं 15 साल तक मौका मिला जिनको काम करने का, कभी किसी बात पर सोचा? हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने यही देखा कि 12.5% बच्चे स्कूल के बाहर रह जाते, तो हमने कहा कि भाई 12.5% बच्चे जो स्कूल के बाहर रह जाते हैं इसमें किस समुदाय के बच्चे सबसे ज्यादा, उसका अध्ययन किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा महादलित समुदाय के बच्चे बाहर हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बाहर, और वोट लेने के लिए क्या क्या बात बोल रहे हैं, लेकिन किसी के लिए कोई चिंता की? और हम लोगों ने टोला सेवक, तालिमी मरकज, स्वयं सेवक के माध्यम से स्कूल के बाहर पढ़ाकर सबको स्कूल तक पहुंचा दिया। 21,000 नए प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया, 2,00,000 से ज्यादा कमरों का निर्माण करवाया स्कूलों में, 3 से 4 लाख के बीच में नए शिक्षकों का नियोजन कराया। और अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या न के बराबर हो गई, 1% से भी कम। तो काम तो हम लोग करते हैं, अब वो किसके लिए उन्होंने काम किया, समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम किया, महिलाओं के लिए क्या किया? ना महिला मुख्यमंत्री, क्या किया महिलाओं के लिए? 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ उन लोगों के राजपाट में, तो किसी को आरक्षण मिला? महिलाओं की बात तो छोड़ दीजिए, पिछड़े वर्गों की बात तो छोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं था। और जब 24 नवंबर 2005 से हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने 3 महीने के अंदर, चुनाव होना था फरवरी मार्च में 2006 में, 3 महीने के अंदर कानून बनाया, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। और बिहार पहला राज्य बना जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। और आज आप देख लीजिए कितनी महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी, और अब 3 चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं का, नगर निकायों का, और अब 1,00,000 से भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं। कहां घर से बाहर महिलाएं निकल पाती थी, आज महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने इलाके के विकास के लिए परिश्रम करती हैं। तो ये सब तो परिवर्तन हम लोगों ने किया है। किस हिस्से, किस क्षेत्र में देख लीजिए, हर के सम्मान के लिए काम किया, जो किनारे पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने सारी पहल की।